कर्फ्यू के चलते सोलन में वाहनों की आवाजाही बहुत कम हो गई है और दुर्घटनाएं भी बेहद कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ युवा कोरोना संकट काल में भी वाहनों को तेजी से दौड़ा रहे हैं, जिस पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि दुर्घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। सोलन में पिछले दिनों एक बाइक सवार की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके चलते अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस विभाग को रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि जब से कर्फ्यू लागू हुआ है तब से दुर्घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई है और केवल 4 दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं, जिसमें पिछले दिनों एक युवक की बाइक दुर्घटना में जान चली गई। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आजकल सड़कें सुनसान हैं, जिसके चलते तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं, जो कि खतरनाक है। इसलिए नियम अनुसार शहर में गाड़ियां चलाएं और अपने वाहन की स्पीड नियंत्रित रखें, अन्यथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिगड़ैले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अभी तक 53 चालान किए गए हैं, जिनमें करीबन 33,000 का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो बहुत कम हुए हैं इस महीने। जब से कर्फ्यू हमारा लागू हुआ है तब से लेके अभी तक 4 केसेस एक्सीडेंट के हुए हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पिछले कल हमने एक वैल्यूएबल लाइफ लूज कर दी। यहाँ पे घट्टी के पास एक केस हुआ जिसमें एक लड़का बाइक पे जा रहा था और वो थोड़ा बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया और उससे जो है उसकी स्पॉट पे डेथ हो गई। इसमें भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि रोड खाली होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेस स्पीड में गाड़ी चलाएं। आप लोग कंट्रोल में प्लीज गाड़ी चलाएं और नेशनल हाईवे के लिए जो स्पीड लिमिट डिसाइड है उसी के अंदर अंदर जो है वो अपना गाड़ी की स्पीड रखें। इस तरह के जो भी बिगड़ैल ड्राइवर हैं उनसे पुलिस सख्ती से निपट रही है और इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं, रडार्स हैं, स्पीड रडार हैं, उनको लगाया जाता है स्मैश पैन पे। अभी तक हमारे इसमें 53 चालान्स हो चुके हैं 1 जनवरी से लेके अभी तक। इसमें थोड़ी सी कमी इसी वजह से आई है कि गाड़ियां कम क्योंकि चल रही हैं रोड पे और इसमें लगभग 33,000 रुपये फाइन हो चुका है। तो मेरी लोगों से, खासकर यंग जनरेशन से ये गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी को स्टेट पे ना लगाएं। खाली रोड देख के आप अननेसेसरली स्पीड गाड़ी की ना बढ़ाएं, जितना स्पीड लिमिट है उसके अंदर अंदर ही गाड़ी चलाएं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित आप अपने घर पहुंच सकें।